माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यापकों ने जिलाध्यक्ष राजेश धर दुबे के नेतृत्व में 17 सूत्री मांगों को लेकर बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश धर दुबे ने बताया कि हम लोगों की 17 मांगे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरानी पेंशन बहाली है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक व रसोईया भी हमारे साथ विद्यालय में एक साथ कार्य करते हुए अपने अपने उत्तरदायित्व का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन इनका मानदेय नियमित नहीं मिलता है, जिससे हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मेडिकल सुविधा दी जाए, क्योंकि किसी भी शिक्षक को कोई भी बीमारी हो सकती है, इसलिए मेडिकल सुविधा दी जाए और बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की पदोन्नति व तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के नेत्रधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भांति चयन वेतनमान के अंतर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सभी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान अनुमेय किया जाए। इस संबंध में गौरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश धर दुबे ने कहा, हमारी सबसे जो प्रमुख मांग है कि 1/4/2005 से जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के साथियों का ओपीएस खत्म करके, पुरानी पेंशन को खत्म करके नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसका ना कोई ठिकाना है ना पता है। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी हमारे पसंदी शिक्षकों को, कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित किया जाए, और साथ ही पुरानी पेंशन की मांग के साथ साथ हमारी 17 मांगें और हैं जो हमारे विभाग से संबंधित हैं। जैसे हमारे राज्य कर्मचारियों के साथियों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी गई है, शिक्षकों को उसे वंचित किया गया है। क्या बीमारी कोई ये देख के आती है कि हम शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, या कोई ये देख के आती है इस जात के होंगे उस जात को नहीं होंगे? तो हमारी मांग है कि हम भी आपके कर्मचारी हैं, हम भी आपके शिक्षक हैं। जैसे आपने राज्य कर्मचारियों को कैसे चिकित्सा का की सुविधा दी है, वैसे हमारे शिक्षकों को दीजिए। और उसके बाद एक और प्रमुख मांग हमारी है कि हमें निरंतर, चाहे गर्मी की छुट्टियाँ हों या कोई भी अवकाश हो, ये विभाग कार्य लेता रह रहा है, लेकिन हमें हमारे अपने कार्यों के लिए, जैसे हमें अपनी बेटी की शादी करनी हो, भगवान न करें हमारे यहाँ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, इसमें अपने माता पिता का संस्कार करना हो, उसके लिए हमें मेडिकल के अलावा कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो हमने सरकार से मांग किया है कि हमारे गर्मी की छुट्टियों में अब हमसे सारे जो शिक्षणेतर कार्य हैं वो करा लो, लेकिन हमें हमारे ऐच्छिक रूप से जब हमें आवश्यकता पड़े तो कम से कम साल में 30 दिन का ईएल हमें दे दो। इसके साथ ही बहुत सारी और मांगे हैं, 17 और एक पेंशन 18 सूत्री मांग है, जिसके आधार पर आज पूरे प्रदेश में 75 जिले में हमारे शिक्षक साथी बीएसए कार्यालय पर आज धरना दे रहे हैं। आप गोरखपुर में भी देख रहे हैं कि लगभग 90% की संख्या में हमारे साथी, जिन्हें स्कूलों में रहना चाहिए था, लेकिन इस संवेदनशील सरकार और उनके अधिकारियों, सरकार से भी ज़्यादा संवेदनहीन उनके बड़े अधिकारी हैं, जो हमारी भावना को समझते नहीं हैं, हमारी पीड़ा को नहीं समझते हैं। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक 10-10 आदेश जारी किए जाते हैं। अभी उनसे खुद ही पूछ दिया जाए किसी इंटरव्यू में कि आपके विद्यालयों में कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, तो शायद मैं वो गिना देंगे तो मैं अपनी कुर्सी को छोड़ के, दर्जी का चाहे नौकरी का छोड़ के मैं चला जाऊंगा। लेकिन उनको भी नहीं पता है कि हमने कितना आदेश कर दिया है, और आज हमारे ऊपर हर प्रेशर जाता है कि ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, निपुण बना दीजिए। हम कैसे निपुण बनाएंगे? हमको पढ़ाने तो दिया नहीं जा रहा है, हमें एक शिक्षक तो रहने नहीं दिया जा रहा है, हमें केवल इन्फॉर्म बना दिया गया है, बता दिया जाए कि ऐसे 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 पढ़ाइए। हमने बीटीसी ट्रेनिंग की है, हमने बीएड ट्रेनिंग की है, हमने बिजनेस बीटीसी ट्रेनिंग की है, उस ट्रेनिंग का क्या मतलब? इतना पैसा गंवाने का क्या मतलब है? इनकी योजनाएं हैं कि हमारे जो गरीब और मजदूरों के बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने का पूरा षड्यंत्र यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कर रही है। हम उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के स्थानीय हमारे नेता हैं महाराज जी, मैं उनसे मांग करता हूँ कि शिक्षकों की समस्याएं हों या विभाग की कोई व्यवस्था हो, विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक कार्य करता है। एक शिक्षक को उन्होंने बीएसए के रूप में गोरखपुर में भेजा हुआ, वो शिक्षक रहे हैं। आप पूछिए पूरे शिक्षक से, हमारा कोई भी शिक्षक साथी आदरणीय बीसी साहब के विरोध में नहीं बोल सकता है। वो हर एक शिक्षक की पीड़ा समझते हैं और विभाग को गतिमान कर रहे हैं, लेकिन जिसको शिक्षा से कोई मामला नहीं है, उन्होंने शिक्षक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, वो हमारे मुख्य पद पर बैठा हुआ है और नित नए रोज अनर्गल आदेश जारी किए जा रहे हैं। इससे पूरा का पूरा शिक्षक समाज आहत है, मर्माहत है, और आदरणीय महाराज जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करता है गोरखपुर के रहने के नाते, और हमारा अधिकार उनके प्रति है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए तुरंत शासन की बैठक बुलाएं, और जो भी समस्याएं हमारी जेन्युइन है, हमारी कोई अजेन्युइन मांग हम नहीं मांग रहे हैं, हम सारे हमारी मांगें जेन्युइन हैं, उनको पूरी करने का प्रयास करें।
मैं राजेश धरदुबे, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक।